मनोज वाजपेयी अपनी अपकमिंग मूवी जुर्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जुर्म मूवी मनोज वाजपेयी की अदाकारी की क्षमता का एक बेहतरीन नमूना होने वाली है। यह मूवी मुख्य रूप से सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के शख्स दशरू की भूमिका में हैं, जो अपनी नवजात बच्ची को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। और तो और पुलिस और गुंडे भी उनका पीछा कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर फिल्म की पूरी कहानी का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ट्रेलर के दृश्य कौतूहल पैदा करने के साथ साथ भावुक भी कर रहे हैं। जुर्म फिल्म की सराहना कई फिल्म फेस्टिवल में भी हो चुकी है। फिल्म के निर्देशक देवाशीष मुखर्जी ने कहा कि यह एक सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें कई तरह के संघर्ष के बाद भी एक व्यक्ति कैसे एक उम्मीद के साथ आगे बढ़कर जिंदगी जीने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करता है। इस फिल्म में मोहम्मद जीशान अय्यूब एक पुलिसकर्मी रत्नाकर के किरदार में हैं। जुर्म फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एक स्पेशल म्यूजिक से होती है, जिसके साथ ही मनोज वाजपेयी एक देहाती लुक में नजर आते हैं। उनके पास एक 3 महीने की बच्ची भी होती है, जिसे वे लेकर अपने गांव वापस लौट रहे होते हैं। ट्रेलर में वो अपने गांव के बारे में बताते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर पेड़ था, वहाँ से एक बड़ी सी नदी निकलती थी, वगैरह वगैरह, जिससे यह साबित होता है कि वे बहुत समय बाद अपने गाँव में वापस लौट रहे हैं, और उसके बाद से ही उनकी सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट होती है। वे कभी पुलिस से बचकर भागते हैं, तो कभी गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं, जिससे यह लगता है कि वह जेल से भागे हुए कोई कैदी हो, या तो गुंडों से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो, या फिर वे पहले से ही कोई कुख्यात गुंडा रहे हों। इस फिल्म में आपको यही दिखाया जाएगा कि कैसे वे अपनी और बच्ची की जान इन गुंडों और पुलिस वालों से बचाएंगे। मनोज वाजपेयी की जुर्म मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका सामना 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर फिल्म से होने वाला है।